काफी लोगों ने मूवी को क्रिटिसाइज किया था, बट आपको लगता है बॉक्स ऑफिस ने सबका मुंह बंद कर दिया? पर मुझे नहीं लगता कि फिल्म को, यस कुछ लोग थे जो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन फिल्म को शायद किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, फिल्म को सभी ने काफ़ी पसंद किया है। और उसका रीज़न एक ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही एक आइकॉन है सबके लिए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा सराहना मिली है। पर हम लोगों ने 150 वर्ल्ड वाइड किया है, एंड आई डू नॉट थिंक इट्स अ फिगर जो कि यू नो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और ऐसा नहीं है कि हर फिल्म को एक पैरामीटर से, सिर्फ पैसों का ही पैरामीटर हो हर चीज़ को देखने के लिए। इट्स डेफिनेटली लैंडमार्क फिल्म, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे साथ उरी और ठाकरे जैसी फिल्में भी साथ में रिलीज़ हुई थी, और ऑलमोस्ट खासकर उरी को लेके नेशनलिस्टिक की फिल्म थी, सो आई मीन कंसीडरिंग ऑल ऑफ दैट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। या श्योर, आई थिंक क्योंकि जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, आई जस्ट फील आई थिंक देर इज़ डेफिनेटली अ सुपर हीरो फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल कैरेक्टर्स। इन मोहतरमा ने मुझे कहा कि नवरी पहनते हैं और खुद नहीं पहनी। नहीं, बट अभी क्या बोलूँ मैं। ओके, सो बेसिकली फॉर मी लाइक इट्स I just feel के जो फिल्म है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के जो सुपर हीरोज़ होते हैं, हम लोग यू नो जो एक सही कैरेक्टर है, जो रियल कैरेक्टर्स हैं, उनसे अगर हम अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दें और रियल स्टोरीज से, इट कैन बी समथिंग अमेजिंग। सो उस तरह से आई थिंक आई कैन सॉर्ट ऑफ यू नो टेक इट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं शौर्य गाथाएं वाली जो फिल्में हैं जी, वो ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि रोमांटिक फिल्में एक साथ आती है, बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है, तो आप शौर्य गाथाएं वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। Well, मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब, और वो लोग दे वॉन्ट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट। यू नो यू कॉन्ट कम टू अ थिएटर ओनली टू किल टाइम। देर वॉज अ टाइम वेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है, या जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है, उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उनका अब एक मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया, जब हमने एक फिल्म देखी तो हमने क्या पाया। मणिकर्णिका के सक्सेस से आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है अपने आप में, कि और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं, कि अब कंज्यूमर का ये हो गया कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला। सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो, या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन हो, या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, सो उस तरह से आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आई थिंक दे विल गो फार अहेड ऑफ अस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट बिजनेस वेयर द कंज्यूमर इज़ अहेड ऑफ द पीपल हु आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट, क्योंकि उनके जो मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के नेटफ्लिक्स बता देते हैं, ये जो कॉन्टेंट होते हैं, दे आर एक्सपोज टू एंड आई एम नॉट, मेरे पास टाइम नहीं है इतना उनको देखने का। सो आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद देम, दे डोंट नीड टू कैच अप विद अस। Yes, Kareena is absolutely lovely, and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her and I feel that, you know, yaar, matlab ek kalakar ho to aisi ho, wife ho to aisi ho, maa ho to aisi ho, you know, she is the epitome of a perfect woman. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी, और मेरी जो बायोपिक है वी आर वर्किंग ऑन दैट, बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली। मैम आप ऑलवेज सरप्राइज देती हैं, आप ऑलवेज, अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली। अब ये मैम अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली,
और दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब आई थिंक दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई सेड. इनफैक्ट आई वाज आस्क्ड इफ आई एम डेटिंग एंड आई सेड आई एम नॉट डेटिंग बट येस इफ यू नो लाइक बीइंग अ यंग वूमन डू आई हैव डू समबडी इन माय लाइफ येस बट हैविंग समबडी एंड डेटिंग and marriage ye log ye degrees hai acha progress ki so let's see kangna kangna unfortunately we don't want to talk about it came out the series of very strongly worded statements one of which was also you know about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports and you can clarify that even Manikarnika had released in Pakistan despite the Uri attacks and it continued to scream while the Pulwama attack. Yeah, see what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy, usko unse chhinne ke liye army bhejni padegi. Jo humne aise hi by air bheji thi, lekin unhone meri DCP wapas nahi lai. So the thing is that when you can stop from future releases to happen, but what is in their possession, if that has to be taken from them, you know, so it's like it will be again the same situation. So can we expect that aap aane wali apni movie wahan pe nahi denge? Well, definitely yes, yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's hardly, it's almost insignificant, isn't it? We've discussed enough about it. Just yeah, I think we can move on to next question. I think that is precisely the distribution and the trade was going like that. I assume because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, if it, that's all we can do, we should, we must. Ankita, ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना कह सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो एक चैलेंजिंग होता है क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए ऐसा था. जब मैंने ये रोल लिया था मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आर कंट्री एंड और मुझे उनको प्ले करना था क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी एंड दैट्स कम्प्लीटली माई अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड परफॉर्म इट एंड लोगों को इतना पसंद आया और आई थिंक कंगना इज डायरेक्टेड फैब लाइक मेरे जितने सीन्स हुए आई थिंक कंगना इज शॉट 70% ऑफ द फिल्म सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर एंड शी हैज़ डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर मोर देन मी. गुड इवनिंग. थैंक यू. देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज़ डिफरेंट. कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है. यू नो जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है. कई बार आपको लगता है कि नहीं ये वक्त है थोड़े से तो मुँह बंद करने चाहिए बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के या आप जब जवाब नहीं दे उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं. तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाने और कब आपको इग्नोर करना है यू शुड नो दैट. You should know that as a person. आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने या उनको समझाने आपका आप कौन है वाकई में और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी. तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे यू नो. बट देन देर इज़ अ टाइम कि इनफ इज़ इनफ. दिस इज़ योर बाउंड्री. यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पर ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है लेकिन आपको अपना यू नो वो कहते हैं डराने क्या बोलते हैं वो डराने के लिए यस डराने के लिए वो डरा कर रखना तो दिखाना पड़ता है. कंगना थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए तो ज़ोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती तो उस बारे में आप क्या कहेंगे. वेल आई थिंक इफ अगर अप्रिशिएट करती है वो तो आई एम वेरी हैप्पी तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका. ठीक है. बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे आप हैं
अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं, अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखें उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया यू नो, और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए सब कुछ, आपसे एक्सपेक्टेशन है राइट, तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना. सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन. या तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए. इज़ इट Well, I think I just feel that हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है. कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है. अभी यही मेरा नेचर है कि यू नो आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है. सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए. सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चली जाऊँ और कैसे मैं अपना मतलब हमेशा ही अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ. ऐसे इंसानों से दूरी रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन. पूछिए ऑफकोर्स लगती है आपको. मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 crores करती है, तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 crore कर ली और कंगना ने डायरेक्ट की. सो इससे बड़ी चीज़ बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज अंकिता हैज़ वर्कड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज़ वर्कड, शी डिजर्व्स अ much bigger and much better debut. That's you, my Gana, feeling thank as you. A director. Thank you. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज़ हाउ अ रेगुलर सॉन्ग ऑफ दैट नेचर इज शॉर्ट फॉर 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी वर इन, शी डिड नॉट हैव इवन टाइम टू डू अ सेकेंड टेक. तो आप सोच सकते हैं हमने किस सिचुएशंस में फिल्म शूट की है. शी डिड नॉट, वी डिड नॉट इवन हैड द टाइम टू इवन कर्ल हर हेयर. सो कहने का मतलब है आई फील शी डिजर्व टू बी यू नो लिट मोर ब्यूटिफुली एंड शी डिजर्व्स अ बेटर डेब्यू, बट एनीवे देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हर.